आज हम आपके लिए बहुत ही जल्दी से बनने वाली नमकीन सेवैया बना रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही झटपट से बन जाती है। इसको आप कभी भी चाय के साथ खा सकते हैं या ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है और इसमें हमने वेजिटेबल्स भी डाली है जिससे ये बहुत ही हेल्दी भी बनती है। और फ्रेंड्स, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को तो जरूर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारी लेटेस्ट रेसिपीज के बारे में पता चलता रहे। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। नमकीन सेवैया बनाने के लिए हमने एक वोक लिया है। इसमें हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ये गर्म ऑयल में हम सबसे पहले जीरा डालेंगे और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और साथ ही इसमें मस्टर्ड सीड्स डाल देते हैं। जैसे ही ये दोनों स्प्लटर होने लगते हैं हम इसमें अनियन डाल देंगे। चॉप किया हुआ अनियन हम यूज कर रहे हैं। इसको एक बार चला लेते हैं। साथ ही अभी इसमें हम चॉप कैरेट्स डाल देंगे और चॉप पोटैटो डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं इसको। ये हम वेजिटेबल्स के साथ बना रहे हैं सेवैया। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। इनको आप चाय के साथ कभी भी बना के खा सकते हैं या आपको हल्की फुल्की भूख लग रही है ब्रेकफास्ट में भी आप इसको खा सकते हैं। और ये बहुत इजीली बन जाती है, जल्दी से बन जाती है एकदम से भैया। 2 मिनट तक हम इसको सौते करेंगे ऐसे। 2 मिनट करीब हो गए ये वेजिटेबल्स को भूनते हुए। अब हम इसमें चॉप ग्रीन चिली ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें कड़ी लीव्स डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और कड़ी पत्ते भी आपको खाने चाहिए, डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। ये बहुत अच्छे होते हैं बालों के लिए, बहुत अच्छा होता है कड़ी पत्ता खाना। मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें रॉ पीनट्स ऐड कर देते हैं। बहुत ही थोड़ा सा इस टाइम हम सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसको हम 2 मिनट और ऐसे कुक करते हैं चलाते हुए ताकि जो पीनट्स है ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाए इसमें सब्जियों के साथ। ये 2 मिनट करीब हो गए ये सब कुक होते हुए। अब हम इसमें चॉप टमाटोज ऐड करेंगे। मिक्स कर लेते हैं ये भी और जब तक थोड़े टमाटर सॉफ्ट नहीं होते हम इसको और कुक करते हैं। इससे आप देख सकते हैं कि जो टमाटोज है वो भी काफी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डाली है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते तो आप उसके अकॉर्डिंग डालिए। धनिया पाउडर, हींग डालेंगे थोड़ी सी। फ्लेम हम इस टाइम लो कर देंगे। मिक्स कर देते हैं ये सारे मसाले। देखिए मसाले डालते ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और यहाँ पे हम बेबिनो की वर्मिसेली सेवैया यूज कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। ये डाल देते हैं। ये 1 कप हम क्वांटिटी ले रहे हैं सेवई की। एक बार मिक्स करते हैं ऐसे। इसको हमें अलग से भूनने की जरूरत नहीं है सेवई को क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड होती है। तो हम इसमें अब पानी डाल देते हैं। इस
इसमें हमने अप्रोक्सीमेट 2 कप पानी ऐड किया। बाकी कुकिंग के टाइम भी आप देख सकते हैं, अगर आपको लगे कि ये अभी कम है तो आप और डाल सकते हैं। वैसे 1:2 रेशियो इनफ है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। ये बहुत अच्छा लगता है साथ में, टैंगी टेस्ट। फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं। अब इसमें हम एक अच्छा बॉईल आने का वेट करते हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं बॉईल आना स्टार्ट हो गया। हम इसकी फ्लेम अब लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। और इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये सारा पानी नहीं खत्म हो जाता और सेवैया एब्जॉर्ब नहीं कर लेती है सारा पानी। ये 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसे खोलते हैं वापस। एक बार इसको मिक्स कर देते हैं। आराम से आपने ये करना है। और ये आप देखिए कितनी खिली खिली बनी है सेवैया। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये आप देखिए बहुत ही टेस्टी नमकीन सेवैया बनकर तैयार हुई है। और आपने देखा कितनी इजीली हमने ये बनाई है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसको चाय के साथ खाइए, ब्रेकफास्ट में खाइए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी प्लीज कीजिए। और आपको हमारी वीडियोज और रेसिपीज पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।